हेलो हाय फ्रेंड्स, आज अपन इस वीडियो में क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर का एक्सरसाइज 1 का 6 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो 6 क्वेश्चन में फर्स्ट बिट में अपन को 4 स्मॉल बिट्स है और सेकेंड बिट में 4 स्मॉल बिट्स है, तो टोटली अपन को 8 बिट्स अपन को इसके अंदर सॉल्व करना है। सो अभी अपन एक एक करके पूरे बिट सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। सो देखिए, अपन पिछले वीडियो से अलग अप टू 5 वीडियो सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज जाकर वो भी वीडियोस देख लीजिए, आपको हेल्प होगी। ओके, सो अभी अपन स्टार्ट करेंगे, देखेंगे 6 क्वेश्चन क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स इन डेसिमल फॉर्म बोल रहा। ओके, सो ये तो पी बाई क्यू फॉर्म पे दिया हुआ है, अपने को डेसिमल फॉर्म पे इसका आंसर सॉल्व करना है। सो ये बहुत ही सिंपल है, देखिए अपन लिखते कैसा है इसको, 1242। ओके, 1242 छोटा नंबर है 1000 से। सो अपन क्या करेंगे, फर्स्ट एक जीरो ले लेंगे और इधर जीरो लगा देंगे। ओके, सो जीरो लेकर एक पॉइंट ले लेंगे अपन इसी तरह सॉल्व करते हैं ना। सो 1000 2 क्या होएंगे अपने को, 2000 होता। अगर अपन 3 लेंगे तो 3000 होएंगे, ये नंबर इससे बड़ा हो जाएंगे। सो अपन 2000 ही लेना है। सो अपने को आंसर 420 आएगा। अभी 420 1000 से छोटा है, तो अभी अपन क्या करेंगे, फिर से एक जीरो ले लेंगे इधर और 1000 4 करेंगे तो आपको वैल्यू आएगा 4000। ओके, 1000 4 करेंगे तो आपको 4000 आता है। ओके, सो मैं इधर 4 ले लिया हूँ। अभी रिमेनिंग क्या है, 200 है, और एक एक मैं जीरो ले लूँगा क्योंकि इधर मुझे 200 1000 से छोटा है। सो मैं इधर जीरो ले लूँगा। ओके, सो मैं इधर ऐड करते ही जाऊँगा आपको। सो मैं इसको आपको 242 पॉइंट के बाद में जीरो, मैंने फर्स्ट जीरो लिया हूँ, उसके बाद में और एक जीरो लिया हूँ, फिर अभी मैंने एक जीरो लिया हूँ, सो 3 जीरोस मैंने लिख लिया हूँ। ओके, सो अभी अपन क्या करेंगे, सो 8002 टाइम से जाएंगे तो 2000 हो जाएगा। अभी अपन को 0.242 आ गया, तो इसका आंसर जीरो होगा। ओके, सो अभी अपन का आंसर क्या है, जब अपन 242 बाय 1000 करेंगे तो अपने को आंसर क्या आ रहा है, 0.242 आंसर आया। ओके, सो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये तो पूछ रहा नहीं क्वेश्चन में, जस्ट आपको मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ। इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है, जिसके वैल्यूज, जिसके डिजिट्स जो भी है लिमिटेड होते हैं। ओके, डेसिमल जो भी है लिमिटेड होते हैं, सो टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। ओके, उसी तरह अभी अपन क्या करेंगे, सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सेकेंड बिट को। सो सेकेंड बिट क्या है, 500 354। ओके, सो ये भी क्या है, देखिए आप 354 छोटा है 500 से, तो पॉइंट लगा के आप जीरो ले लेंगे। ओके, पॉइंट लगा के आप जीरो ले लेंगे, तब आपको क्या होएगा, इधर 3540 हो जाएगा। सो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0.7 अपन क्या करेंगे, 7 टाइम्स करने पे 3500 होता है अपने को। सो रिमेनिंग अपना वैल्यू आएगा 40। सो अभी अपन फिर क्या करेंगे, फिर एक जीरो लगाएंगे, फिर एक जीरो लेंगे। ओके, सो 500 तो 400 से फिर छोटा हो जाएगा। सो अभी अपन क्या करेंगे, और एक जीरो लगाएंगे, फिर और एक जीरो लेंगे। सो अभी अपन देखेंगे 0.78 करने पे अपने को, 500 × 8 करने पे अपन को 4000 वैल्यू आता। सो ये अपना जीरो हो गया। ओके, सो इसका आंसर क्या है अपने को, 0.708। ओके, सो इधर देखिए, सॉरी फ्रेंड्स, अपन दो जीरोस ले लिया ना, तो एक जीरो और दो जीरोस हो जाते हैं। सो 500 अपने को कितने टाइम्स करने पे, 8 टाइम्स करने पे अपने को हो जाता। सो 354 / 500 करेंगे तो आपको आंसर आएगा 0.708। ओके, और ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल का, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, सो इसी तरह देखिए आप थर्ड बिट भी देखेंगे, 52। सो ये तो बहुत ही सिंपल है, जब आप जीरो ले लेंगे सो आपको क्या हो जाएगा, 5 4 करेंगे तो 0.4 करेंगे तो वो सिंपली डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। सो 2/5 = 0.4, तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। ओके,
तो बहुत ही सिंपल हो जाता है जब आपको पता हो जाता है, जैसे सॉल्व करने का मेथड आपको पता हो जाएगा तो जब आपको सिंपल हो जाएगा। सो ये देखिए 4/115, ओके। सो देखिए मैंने फर्स्ट क्या करूंगा, 2 से ले लूंगा, 4 2 8 हो जाएगा, फिर बचेगा क्या मुझे 3 बचेगा, 11 में से 8 गए तो 3 बचेगा, और ये डायरेक्ट 5 को मैं इधर 5 लिख लूंगा, ओके। सो नेक्स्ट क्या आएगा, 4 4 8 कितना हो जाएगा आपको 32 हो जाएगा, और 4 9 36 हो जाता। सो मैं क्या करूँगा, छोटा नंबर ले लूँगा, 4 8 ले लूँगा, सो 4 8 32 करेंगे। सो नेक्स्ट क्या है, 3 आता है, सो 3 क्या नंबर छोटा हो गया इससे, तो अपन क्या करेंगे पॉइंट लगा के 0 लेंगे, ओके। सो इधर भी एक पॉइंट लगा देंगे, सो अपने को क्या 0 आ गया। सो 4 कितने टाइम्स जाता है, 7 टाइम्स, दैट इज 4 7 28 होता। सो बचा क्या, 2 2 रिमेनिंग होगा, सो 2 रिमेनिंग होगा तो हर एक मैंने 0 ले लूंगा इधर, तो इधर 0 बना लेंगे, तो 20 दैट इज 4 5 20, सो 28.75 ये 0 हो गया। सो अभी ये भी क्या है, डेसिमल 115/4 करने पे आपको 28.75 आंसर आ रहा है, ओके। सो ये क्या है, ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल का है। सो ऑल ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में बोला है, ओके। सो ये बहुत ही सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ओके। ये फर्स्ट बिट है, और एक इसमें सेकेंड बिट भी है, क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। सो देखिए फ्रेंड्स, ये भी क्या है, अपने को रैशनल नंबर्स के फॉर्म पे अपने को बनाना है। सो अभी अपन देखेंगे, सो रैशनल नंबर्स दिया सो है अपन को, डेसिमल फॉर्म्स में अपन को बनाना है, जैसे अपन ऊपर अभी सॉल्व किए थे, सेम उसी तरह अपन को इसको भी, ये क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, ओके। सो फर्स्ट वाला देखिए 2/3 है, सो 2/3 को अपन कैसे सॉल्व करते हैं, सो 3 2, सो 2 छोटा है 3 से, सो अपन क्या करेंगे पॉइंट ले लेके 0 ले लेंगे। सो जब 0 ले लेंगे तो ऊपर भी 0 आ जाएगा, ओके। सो फिर इधर पॉइंट ले लेंगे अपन, 3 6 अपने को 18 होता है, तो मैंने क्या करूंगा इधर 3 6 3 6 18, ओके। सो रिमेनिंग क्या होता है, 2 होता है। फिर से एक बार देखेंगे अपन, फिर से अपन करेंगे तो इधर एक और एक 0 ले लेंगे तो नीचे फिर से 0 आएगा, फिर अपन क्या करेंगे, फिर अपने को क्या आएगा 3 6 18 आएगा, फिर क्या हो रहा, फिर 2 बच रहा, फिर एक 0 ले लेंगे, फिर एक 20 करेंगे, फिर एक 3 6 करेंगे 18 होंगे, फिर सेम अपन को फिर से 2 आ रहा। सो इसका मतलब ये है, ये क्या है 0.666 रिपीट होते ही जा रहा नंबर, ओके। सो 0.666 रिपीट होते ही जा रहा, सो 2/3 इज इक्वल टू 0.666 1। सो अपन इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं, 0.6 bar बोल के लिखते हैं। इसके ऊपर बार लिखने का मतलब ये होता है, इसके ऊपर बार लिखने का मतलब ये होता है कि ये जो भी नंबर पे मैंने बार लगाया वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, ओके। सो बार बार रिपीट हो रहा है, सो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। और इसमें भी मैंने बोला है आपको दो मेथड्स रहते हैं, ये एक फर्स्ट मेथड हो गया, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है बार बार, और नेक्स्ट वाला देखेंगे कि वो भी उसी तरह है। सो देखेंगे 36, सो ये माइनस को अभी अपन -25/36, तो फर्स्ट अपन नंबर को कैलकुलेट कर लेंगे, फिर बाद में लास्ट में अपन माइनस ऐड कर देंगे। सो फर्स्ट देखिए 36 25, सो 25 छोटा है, सो 0.0 ले लेंगे। अभी अपन 0.25 करना है, सो 250, सो 36, अभी अपन क्या करेंगे 36 6 करेंगे तो अपने को क्या आएगा 216 आएगा, ओके। 216 आएगा, 216 में अगर मैं 250 में से 216 निकालूंगा तो 4 + 4 - 1 दैट इज 3, सो 34 आएगा। फिर से मैं एक 0 ले लूंगा, सो मुझे और एक 0 बन जाएगा, ओके। अगर मैं 9 ले लूंगा, अभी 36 फर्स्ट मैंने क्या लिया, 36 6 लिया हूँ, अभी मैं 9 से ले रहा हूँ, 36 9 करूंगा तो मुझे वैल्यू कितना आएगा, 324 आता है, ओके। 324 आता है, तो मुझे 10 में से 4 रहेंगे तो 6 बचेगा, इधर 1 रहेगा तो सॉरी 3 रहेगा तो 1 आएगा, सो 16 होएगा। फिर से अगर मैं अगर इधर 0 ले लूँगा और इधर भी 0 आ जाएगा तो 36 5 मुझे तो 180 होता है, 36 4 होता है,
144 होता है. ओके, सो जब आप ये माइनस करेंगे 160 में से 144 करेंगे तो आपको 6 और 160 आएगा. फिर देखिए, अगर मेरे को 16 आया, फिर मैं इधर 0 ले लूँगा, फिर मैं इधर 160 करूँगा, फिर मुझे सेम 144 आएगा. ओके, फिर मैं इधर 4 लेना पड़ेगा, फिर मुझे फिर क्या होगा, 16 आएगा. फिर इस बार क्या हो रहा है, जस्ट 4 नंबर ही रिपीट हो रहा है बार बार. सो देखिए आप, 25/36 करने पे अपन तो पॉजिटिव में लिए, सो माइनस ऐड करेंगे जस्ट नंबर को, और जो भी वैल्यू अपन को आया -69444 आ रहा है कंटिन्यूसली. सो अपन क्या करेंगे अभी उसके ऊपर, -0.694 बार जस्ट मैंने 4 पे लगाया हूँ, ताकि पूरा नंबर पे नहीं लगाया. ओके, 69 पे नहीं लगाऊँ, जस्ट 4 पे लगाऊँ. क्यों 4 पे लगाऊँ, क्योंकि 4 जो 4 टाइम्स हो रहा है वही रिपीट हो रहा है बार बार. सो उसके लिए मैंने जस्ट 4 पे ही बार लगाया हूँ. ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल वे में अपन पढ़ रहे हैं. सो उसी तरह 22/7 को देखेंगे, 7 22, सो 7 3 हो जाएगा 21, सो बचेगा क्या 1. सो फिर मैं क्या करूँगा, 0 ले लूँगा पॉइंट लगाकर, सो इधर 10 हो जाएगा, सो 3.1. ओके, सो फिर मुझे 7 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर मैं क्या करूँगा, फिर एक 0 लगा दूंगा, फिर मुझे 30 बन जाएगा, सो 7 3.4, तो मुझे फिर से क्या हो जाता, 28 हो जाता. 7 4 सा क्या होएगा अपने को, 28, सो फिर से 2, फिर मैं 2 आएगा तो फिर से मैं 0 लगाऊंगा, फिर मुझे 20 हो जाएगा, फिर मैं 7 2 सा करूँगा तो मुझे 14 आएगा, तो फिर मुझे 6 बचेगा, तो फिर मैं 0 लगाऊंगा, फिर मुझे 60 हो जाएगगा. 7 7 8 सा कितना होएगा अपने को, 54 होता है. ओके, 7 8 सा 54 होता है, तो मुझे बचेगा क्या, अभी 6 बचेगा, फिर मैं एक 0 लगाऊंगा, फिर इधर 0 ले लूंगा. ओके, 60 में से 54 गया तो 6 बचेगा. अभी अपन 60 लगाए, फिर अपन क्या करेंगे, 7 8 से 56 होता है ना, सॉरी फ्रेंड्स, मैं 54 लिया, सो इधर 40 हो जाएगा. ओके, इधर 40 हो जाएगा, तो 7 7 5 से क्या होगा, 35 आएगा, तो बचेगा क्या 5, फिर मैं इधर 0 लगाऊंगा, फिर मैं इधर 50 लूंगा, 7 7 से हो जाएगा 49 हो जाएगा. ओके, तो मुझे 1 बचेगा, फिर अगर मैं 1 बचूंगा तो मैं क्या करूंगा, इधर 0 ऊपर 0 लगा दूंगा, ऊपर मैं 0 लगा दूंगा, सॉरी फ्रेंड्स, इधर मैं 0 लगा दूंगा, फिर से मुझे 10 आएगा. देखिए फ्रेंड्स, फिर से मुझे 7 स्टार्ट हो रहा है, सो क्या होएगा, 7 आ जाएगा. तो देखिए फ्रेंड, ये जो भी वाला केस है, ये मुझे ऑलरेडी सेकेंड स्टेप में भी सेम वाला नंबर आया है. ओके, सो सेम फिर नंबर्स रिपीट होते हैं मेरे पास, सेम फिर मेरे पास 10/7 है, फिर मुझे 3 आएगा इधर, फिर मेरे को इधर भी 3 आया सो है, सो फिर से मुझे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं. ओके, सो सेम नंबर्स फिर से रिपीट हो रहे हैं. सो अपने को फाइनली नंबर कितना आया देखिए, 3.12857, फिर से अपन को सेम फिर 3.14 2857 फिर से रिपीट हो रहा है. ओके, तो ये देखिए 22/7 3.142857 सो ऑन. ओके, 3.142857 सो ऑन. सो अपन इसको कैसे लिखेंगे, 3.142857. सो अभी बार जो लगाना है मुझे, फिर से पूरा टोटल नंबर पे लगाना है, क्योंकि फिर से मुझे 1 स्टार्ट होंगे यहाँ पे. ओके, सो 142857 फिर से स्टार्ट होने वाला है. सो इसके लिए मैंने इसकी इस बार मैंने टोटल नंबर पे लिया हूँ. ओके, सो फर्स्ट केस में अपन नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का फर्स्ट एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, बट इधर देखिए दूसरे दूसरे नंबर से फिर बार बार रिपीट हो रहा है. सो ये दो केसेस रहते हैं अपन को नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स. ओके, सो द लास्ट वन क्या है देखिए, 11/9, सो दैट इज 9 11. सो 1 जा करेंगे तो 9 होएगा, 2 बचेगा, मैं पॉइंट लगा के 0 लेंगे, सो 9 2 जा पॉइंट लगाया, फिर 9 2 जा अपन को हो जाएगा 18, सो फिर से 2 आएगा, फिर मैं क्या करूँगा, 0 ले लूँगा,
ओके, फिर क्या करूँगा, 9 2 जा फिर से 18, सेम वे फिर 2 आ रहा है। सो इसका मतलब क्या है, देखिए 11/9 को आप जब सॉल्व करेंगे सो 1.22 टू सो ऑन, बार बार 2 2 रिपीट होते जा रहा है। सो क्या अपन इसको 1.2 बार लिख सकते हैं, जस्ट 2 के ऊपर मैंने बार लगा रहा हूँ, 1.2 पे नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि 2 मेरा रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ओके, सो ये भी क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल का एग्जाम्पल है। ओके, जो फर्स्ट वाला है सेम लास्ट वाला भी वही है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। इससे अपन इससे टोटल 6th क्वेश्चन की 8 बिट सॉल्व कर चुके हैं इस वीडियो में। ओके, सो बहुत ही सिंपल वे में पढ़े। अगर आपने इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।